मरने से पहले ईशा भोसले ने लिखा अपने दिल का हाल, भोसले परिवार की पूरी सच्चाई और कुछ ऐसी बातें एक खत में लिखकर ईशा भोसले सभी और ईशान के लिए छोड़कर चली गई, जिन्हें पढ़ने के बाद ईशान और सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसे पछतावा हो रहा है कि आखिर क्यों उसने अपनी माँ के साथ इस तरह की बदसलूकी की, क्यों उनसे इतनी बदतमीजी से बात की। दोस्तों, ऐसा क्या लिखा है उस खत में, ईशा भोसले की लेटर में, जो पूरे तरीके से ईशान और सभी की जिंदगी को बदल देगा। जी हाँ, कहानी में आगे एक मेजर ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बारे में हम आपको हमारे आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन याद से दबा लें, ताकि सीरियल गुम है किसी के प्यार के से जुड़े हुए सभी बड़े अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इंस्पेक्टर कॉल करके ईशान और सभी को मॉर्चरी बुलाता है, जहां पर लाश है और किसी की नहीं बल्कि ईशा भोसले की। लेकिन जब रोते हुए बिलखते हुए ईशान और सभी वापस जा रहे होंगे, तब इंस्पेक्टर को याद आएगा कि एक लेटर मिला था ईशा भोसले के पास, और उसमें लिखा हुआ है कि ये लेटर ईशान और सभी को देना है। तब उस लेटर को पढ़कर ईशान और सभी की आंखों में इतने आंसू आएंगे कि वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे। उस लेटर में लिखा होगा कि बाड़ा, मेरे साथ घर वालों ने कभी भी अच्छे से व्यवहार नहीं किया। मैं अपना सपना, अपना करियर बनाने के लिए घर छोड़कर तो गई थी, लेकिन बाड़ा, मैंने कभी भी तुझे नहीं छोड़ा, ईशु को नहीं छोड़ा। मुझे अक्का साहेब ने ऐसा करने से मजबूर कर दिया। उन्होंने तुझे मेरे पास से चुरा लिया और उसके बाद अपने साथ बड़ा किया और मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया। लेकिन इतना ही नहीं, उस खत में ये भी लिखा होगा कि कॉलेज में बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में बाड़ा तुझे बिल्कुल कोई खबर नहीं है। तुझे लगता है कि तेरी अक्का साहेब ने जो कह दिया, जो कर दिया, सब सही है, लेकिन खुद एक बार हर चीज को जानने की, समझने की कोशिश करना। और तू खुद इतना भोला है कि तू अपनों पर तुरंत विश्वास करता है, लेकिन बड़ा, ये लोग अच्छे बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों, खत में सिर्फ इतना ही नहीं लिखा होगा, खत में आगे ईशा ने सभी के बारे में लिखा है। उसने अपने बेटे से ये वादा मांगा है कि मेरी सभी का ख्याल रखना, उसे एक काबिल ऑफिसर बनाना। उसके घर वाले हमेशा उसकी पढ़ाई के खिलाफ रहते थे, लेकिन तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना बाड़ा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो या फिर मेरी रिक्वेस्ट। दोस्तों, ऐसे में ईशान अब क्या करेगा, क्या वो सभी का हाथ थाम लेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके अपने व्यूज आप जरूर बताएं।